नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारे गौधाम में उपस्थित गौ माता के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि वो गौ माता का पेडिग्री क्या है, उसका जो प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी की पेडिग्री क्या है और उसका मिल्क कितना है। आओ मैं आपको बताता हूँ। अभी ये एजी 26 मतलब ये एजी 26 नंबर की गौ माता है। जो हमारी गौ माता में हमारा ब्रांड लगा रहता है ये है हमारी एजी 26 नंबर जाम्बल करके, जो हमारे पास कोहिनूर गल के बुल है उनसे ये कंसीव है और अभी मिल्किंग पे भी है। तो और दूसरी बार गाय माता के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये हमारी गौ माता है गांडी करके, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं तो ये भावनगर ब्लड लाइन से बिलोंग रखती है और थोड़ा लालपरी मिरेड़ी माताजी मंदिर से भी बिलोंग रखती है। तो इसके बारे में बात करूं तो इसका फादर केसरियो है और इसकी मदर है लालपरी आश्रम की पदी गाय और पदी गाय की माता है पदी भावनगर। और ये भी गौ माता हमारे पास जो नंद का बछड़ा है राजेश्वरी नो 276 करके उनसे कंसीव है ये और मिल्किंग के भी है। और इसके आगे बात करूं तो हमारी ये जो गौ माता है काबरी करके, तो इसके बारे में बात करूं तो हमारे पास जो 186 माधुरी नो बुल है उनसे ये कंसीव है अभी और मिल्किंग के भी अभी तक है। और इसके आगे मैं बात करूं तो हमारे होम ब्रिड की जो गौ माता है एक केसर करके ये गौ माता है और ये ब्याही हुई 6 महीने हो चुके हैं और ये भी हमारे पास राजेश्वरी 276 करके जो नंदी महाराज है उनसे कंसीव है। और इसके आगे की बात करूं तो ये हमारी शानदार गौ माता और मिल्किंग में भी बहुत अच्छी ये एजी 36 कामधेनु गौ माता है। और इसके बारे में बात करूं तो ये हमारे पास जो नंदी महाराज है अभी कोहिनूर करके उनसे ये कंसीव है और मिल्किंग पे भी है। मतलब इसका बात करूं तो ये बॉडी स्ट्रक्चर से भी और स्वभाव से एकदम शांत गौ माता है। इसके आगे भी इधर भी हमारी गौ माता है, इसके बारे में बात करूं तो ये हमारी 37 ये हमारी 37 गौ माता है जमुना करके। तो इसके बारे में बात करूं तो ये भी हमारे पास जो नंदी महाराज है राजेश्वरी नो करके उनसे ये कंसीव है और ये हमारी होम ब्रिड की गौ माता है एकदम मिल्क में भी अच्छी और रूप रंग कलर पैटर्न और इसके आगे बात करूं तो बॉडी स्ट्रक्चर में भी लाजवाब गौ माता है। इसके आगे भी एक अच्छी गौ माता ये हमारे पास है 188 जानुवड़ की गौ माता है। अभी ये फर्स्ट हीफर है और 7 महीना कंसीव है और इसकी बात करूं तो ये भावनगर ब्लड लाइन से बिलोंग रखती है और इसके अंदर जो प्रेगनेंसी है वो भुवनेश्वरी विद्यापीठ का जो एक शानदार पुराना बुल था गड्ढो करके उनसे कंसीव है और 7.5 महीना कंसीव है। इसके आगे बात करूं तो एकदम पैटर्न से और बॉडी स्ट्रक्चर और कलर से लाजवाब गौ माता ये लाखेण मोटी हमारी गौ माता है जो भावनगर ब्लड लाइन से बिलोंग रखती है और लाखेण होड़ की एकदम शानदार गौ माता है। ये भी हमारा जो नंदी महाराज है राजेश्वरी नो 276 करके जो नंद का बछड़ा है और एकदम लाजवाब बुल है उनसे ये कंसीव है। अभी ये मेरी जो गौ माता है हुई, अभी और मैं आपको गौ माता दिखाऊंगा। अभी मैं अगली गौ माता के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। अभी ये हमारी गौ माता है ये सेकंड लैक्टेशन में है, मतलब एक लैक्टेशन इसका हो चुका है। अभी ये 8 महीना कंसीव है, मतलब 9वां महीना स्टार्ट होने में थोड़े दिन ही बाकी है। और ये खुद मैं बताऊँ तो भावनगर ब्लड लाइन से बिलोंग रखती है, गोंडलियों की बछड़ी है और इसके अंदर जो प्रेगनेंसी है वो हमारे पास जो नंदी महाराज है राजेश्वरी नो करके उनसे ये कंसीव है। और इसके आगे की बात करूँ तो ये भी ये हीफर है फर्स्ट बार, इसकी उम्र 3 साल है और हमारे पास जो कोहिनूर बुल है जो केसरियों का बछड़ा है और ये काबरी कुंडी होड़ से बिलोंग रखती है, ये भी भावनगर ब्लड लाइन से के नजदीक में है। और इसके आगे की बात करूं तो ये हमारी गौ माता, इधर आप उसका स्टैम्प भी देख सकते हो, ये प्योर भावनगर की गौ माता है PRG 62214। ये गोपी होड़ की गौ माता है, इसकी मदर गोपी है
और जो गोपी की मदर थी वो शालिंगपुर मंदिर की थी, और इसके फादर के बात करूँ तो ये जो रूपा बसो चौध करके बोल था, भावनगर ब्लड लाइन से वो उनकी ये बछड़ी है। और ये भी अभी हमारे पास जो बाघुनो वो जो बुल था राजा करके, जिसकी मदर बाघू थी और उसका फादर था राज करके, उन वो राजा 159, उनसे ये कंसीव, ये भी 7.5 महीना कंसीव है। तो अभी ये सभी मेरी गौ माता हो, आपको कैसी लगी वो मुझे जरा कमेंट में जरूर बताएगा, और हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।